चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का तशद्दुद से भरपूर एहतजाज जारी है। कल शुरू होने वाले एहतजाज में तहरीक इंसाफ के मुश्तैल कारकुन शरपसंदों की तरह फौजी रिहाइश गाहों और तनसीबात में घुस गए, वहां तोड़ फोड़ और लूट मार करने के बाद आग लगा दी। इन मकामात में GHQ रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, मियांवाली एयरबेस और दूसरे हसास मकामात शामिल थे। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इमारतों को आग लगाते और वहां से लूट मार करते देखा जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने मॉडल टाउन लाहौर में वाकया मुस्लिम लीग नून के हेड ऑफिस में भी आग लगा दी। तहरीक इंसाफ के मुश्तैल कारकुन बलोचिस्तान में FC के हेड क्वार्टर के बाहर भी जमा हो गए और अंदर घुसने की कोशिश की, तहम इसे नाकाम बना दिया गया। जबकि जराये के मुताबिक मुश्तैल कारकुनों ने इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस की तरफ जाने की भी कोशिश की। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब और बलोचिस्तान में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। जबकि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुतशद्दिद मुजाहिरीन को वार्निंग देते हुए कहा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालात को पेश नजर रखते हुए पाकिस्तान में कल से ट्विटर और फेसबुक समेत अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के जलाओ घिराव को नहीं दिखाया जा रहा। PTI की क्यादत ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए आज बुध को मुलकगीर हड़ताल करने का ऐलान किया है और कौम से अपील की है कि वो बढ़ती हुई फसतायत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सीनियर क्यादत ने यह भी ऐलान किया कि मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल जो इमरान की जानिब से गिरफ्तारी से चंद रोज कबल मंजूर किया गया बदस्तूर बरकरार रहेगा। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्टी की सीनियर क्यादत इस्लामाबाद में है और इमरान खान से मिलने के लिए लड़ाई कर रही है ताकि इन्हें गैर कानूनी अगवा से रिहाई दिलाई जा सके। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है और मुसल्ला पुलिस तैनात की जाएगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद है और मैट्रिक के इम्तहान मुलतवी कर दिए गए हैं।